Okay, student, today we are going to discuss the second part of leverage ratio, right? पहले वाली इससे पहले हमने कौन सी वाली की थी? Debt to equity ratio. Debt equity ratio हम लोगों ने पहले discuss की थी. अभी जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है second part leverage ratio का. अब ये second part जो है वो कौन सी दो चीजों में रिलेशनशिप को शो कर रहा है. सबसे पहले वो रिलेशनशिप शो जो कर रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है डेट और टोटल फंड में, राइट. डेट और टोटल फंड में रिलेशनशिप शो हो रहा है. अब ये जो बेसिकली ये वाली जो रेशियो है ना, ये कहीं ना कहीं सेम इंडिकेशन कर रही है जैसे आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो ने किया था, ठीक है. और कहीं ना कहीं हम इसे कहते हैं कि इट इज अ वेरिएंस ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो. वेरी सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल आंसर है. जैसे डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. यहां पे डेट टू टोटल फंड रेशियो का फॉर्मूला भी क्या है? डेट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स. अब ये जो टोटल फंड जो है ना वो किस तरीके से आया वो देखिए. डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी से हमारा क्या बना? टोटल फंड. अब डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स. और लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब क्या? वो वाले लोन जो आफ्टर अ ईयर मैच्योर होंगे, मतलब एक साल से ज्यादा टाइम लेंगे मैच्योर होने के लिए. वो सारे के सारे जो लोन है उसको हम क्या कहते हैं? डेट कहते हैं, ठीक है. ऐसे ही इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड्स. याद है आप लोगों को, हम लोगों ने कल किया था शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, राइट. उसके बाद आप लोगों के जितने भी रिजर्व्स थे, जर्नल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स, प्लस आपका जो प्रॉफिट था, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी बैलेंस था वो, उसके बाद आपने माइनस किया था फिक्टिशियस एसेट्स, अगर कोई राइट ऑफ हो रही है वो वाली, और अगर आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर फंड को रिप्रेजेंट कर रहा था. और अगर आपको याद हो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए हमने एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म याद की थी. जब हमारा बीपी बढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं. बीपी बढ़े या कम हो, डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेनी है और घर वापस आ जाना है. बी रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा था? आपके बैंक लोन्स को. पी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? पब्लिक डिपॉजिट्स को. डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? डिबेंचर्स को. एम किसे रिप्रेजेंट करता था? मोर्टगेज लोन को. और एल किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. ये सारे के सारे जो हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, राइट. अब इस वाली रेशो में अगर आप देखेंगे, इस वाली रेशो में आइडल क्या है, दैट मीन्स आइडल रेशियो क्या है. आइडल रेशियो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक प्रोपोर्शन में लिखा है, एक मैंने परसेंटेज में लिखा है. अगर आप लोगों को मेरा फर्स्ट लेक्चर याद हो कि हम रेशियो को प्रोपोर्शन में भी शो कर सकते हैं और परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, बट परसेंटेज में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 100, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर जो है वो प्रोपोर्शन परसेंटेज में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है. अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रोपोर्शन जो है वो 0.67:1 है तो सेटिस्फैक्टरी है. अगर इसी चीज को मैं परसेंटेज में रिप्रेजेंट करके देखूं तो अगर मेरा 67% आंसर आता है तो मेरा सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी. बट अगर इसी से हायर हो जाए, दैट मींस अगर मेरा 67% से हायर आंसर आए तो वो मेरे बिजनेस के लिए इंडिकेट करेगा रिस्की पोजीशंस को, ठीक है जी. अब यहाँ पे इस चीज को हम समझते हैं कि वो क्यों इंडिकेट करेगा रिस्की पोजीशन को. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मेरी आंसर, जब मैं रेशियोज को कैलकुलेट कर रही हूँ और वो भी डेट टू टोटल फंड रेशियो से कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर मेरा आंसर
मोर देन 67% है, तो वो इंडिकेट करता है रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म को. ठीक है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. बट व्हाई? बिकॉज इसका मतलब ये है द कंपनी द फर्म इज मोर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड लोन्स. मतलब आप ज्यादा बाहर वाले फंड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो. ठीक है जी, दैट मीन्स कि आप बैंक लोन, डिबेंचर्स, मोर्टगेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट लोन्स, आप उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हो. ठीक है, और उससे क्या होगा, अगर आपके उसमें से किसी ने भी कोई पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपके फर्म की जो पोजीशन है वो हिल जाएगी. ठीक, अब यही बोलते हैं कि देखो, अब एक और चीज देखो, अगर आपकी हाइयर रेशियो है, ठीक है, दैट मीन्स हाइयर रेशियो का मतलब क्या कि अगर आपका 67% से ज्यादा आंसर आ रहा है, सपोज आपका 70% आ रहा है, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि आप लॉन्ग टर्म लोन्स को ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो. और जब आप लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करते हो तो इसका मतलब क्या कि आप डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, दैट मीन्स जिनके ऊपर आपको एक परमानेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ठीक है, और जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, इसका मतलब एक पीरियोडिकली टाइम के बाद आपको कहीं ना कहीं से वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो आपका जो प्रॉफिट है वो यूटिलाइज हो रहा है इसकी तरफ. ठीक है, और एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पीरियड के बाद आपने उस लोन की पेमेंट भी करनी है. ठीक है, तो हायर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिस्क फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. और जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और हायर रेट ऑफ आपको परमानेंट प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू डेट के बाद आपको पे करनी पड़ेगी. क्लियर है? अब इसी चीज को ये कहते हैं कि अगर यही चीज, ठीक, बिलो 67% होगी तो कहीं ना कहीं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी बात है. ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करोगे तो वो अच्छी बात है फर्म के लिए. क्लियर है? तो ये आपकी डेट टू टोटल फंड रेशियो जो है ये आपकी कंप्लीट होती है. ठीक है जी, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन रेशियो. ठीक है, अब ये जो थर्ड रेशियो है ये भी आपकी लिवरेज रेशियो का ही पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो. अब ये रेशियो क्या इंडिकेट कर रही है? अब इस रेशियो का सबसे पहले तो हम एग्जांपल ही इसकी सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं. अब ये फॉर्मूला क्या है? इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है इक्विटी और टोटल एसेट्स के बीच में. ठीक है, इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय द ओनर्स और शेयर होल्डर. अब इस रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि हमारे टोटल एसेट्स का कितना प्रोपोर्शन हमारे ओनर और शेयर होल्डर्स के थ्रू फंड हुआ है. क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. अब इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट. और टोटल एसेट्स जो है बच्चे वो हमने कौन सी वाली लेनी है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. करंट एसेट्स का मतलब जो वो वाली एसेट जो एक साल के अंदर अंदर सेल ऑफ करके हम उससे पैसा रिलीज कर लेते हैं, दैट मीन्स दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश विद इन अ ईयर. फिक्स एसेट्स का मतलब क्या आता है, विच टेक्स मोर देन ईयर टू कन्वर्ट इनटू कैश, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, ये सब चीजें आपकी फिक्स एसेट्स में आती हैं. प्लीज ये गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये मिस्टेक करते हैं पेपर में, वो फिक्टिशियस एसेट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं. तो ये वाली मिस्टेक्स आप ना कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को ही लीजिएगा जब आप टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो ये आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो है. बट अब ये प्रोप्राइटरी रेशियो एक्चुअली में क्या सिग्निफिकेंस है इस रेशियो का, ठीक है, कितना आइडल, इसके लिए कितना आइडल रेशियो होना चाहिए.
सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर? सिग्निफिकेंस में ये शो कर रहा है कि हाई रेशियो है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो में अगर मेरा आंसर हाइयर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब उससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेटिस्फैक्ट्री। और ये व्हाट इंडिकेट, अब ये बताता क्या है बेसिकली, प्रोप्राइटरी रेशियो से हमें हाई आने से हमें पता क्या चलता है कि हमारी जो टोटल एसेट्स जो है वो इक्विटीज के थ्रू ज्यादा फंडेड की गई है, राइट। और इसका मतलब ये कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर कम डिपेंड होना पड़ता है। सपोज अगर मेरा 80% आंसर आता है, ठीक है, इसको भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई विद द 100 करके। अगर मेरा आंसर 80% आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी हाइयर पोजिशन है, दैट मीन्स हाइयर रेशियो है। और हाइयर रेशियो का मतलब क्या है कि मेरी जो फंड है, जो मेरे टोटल एसेट्स है ना बच्चे, वो मेरे शेयर होल्डर्स के थ्रू ज्यादा फंडेड हुई हुई है, ठीक है। और हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर लेस डिपेंडेंट है, और जिसका मतलब ये कि हमें ना ही उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है और ना ही हमें उन्हें कोई प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड उन्हें वापस करनी है, राइट। सो लोअर रेशियो जो होगी वो बिजनेस के लिए इसी का ओपोजिट होगा, इसका मतलब वो हमारे बिजनेस के लिए डेंजर सिग्नल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा हमें एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो लोअर रेशियो विल बी इंडिकेट डेंजर लेवल फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बिजनेस, ठीक है जी। और दिस इज कंसीडर्ड एज अ लेस सिक्योर्ड, ठीक है। और हमें कभी भी रिस्क फेस करना पड़ सकता है अगर वो हमारे बिजनेस से कभी भी पैसा विड्रॉल कर ले, क्लियर है। अगर हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हमारी एसेट्स पे फंड लगाएंगे और वो कभी भी अगर हमारे बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी एसेट्स जो है, उन लोगों ने पैसे में फंड लगाया था, उन्होंने खरीदने में फंड लगाया था, तो कहीं ना कहीं वो हमारी एसेट्स को लेके जा सकते हैं। सो दिस इज द रीजन लोअर रेशियो इंडिकेट्स डेंजर सिग्नल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट जो है आप लोगों का फोर्थ रेशियो है लीवरेज रेशियो में, वो है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड्स रेशियो। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसका हम एक और नाम है जैसे है फिक्स एसेट टू नेट वर्थ रेशियो, राइट। अब सिंपल फॉर्मूला क्या है इस रेशियो को कैलकुलेट करने का, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो है फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड्स, राइट। देखो एक चीज याद रखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो शो कर रहा है उसी से हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेना है। तो फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड्स, और हम प्रोप्राइटर फंड को किस और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नेट वर्थ, राइट। बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, राइट, ये कहते इंडिकेट करता है द एक्सटेंट टू विच प्रोप्राइटर फंड्स आर संक इन टू द फिक्स एसेट्स, मतलब हमारे प्रोप्राइटर का कितना फंड जो है फिक्स एसेट में इन्वेस्ट है, इस रेशियो के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक। और इस रेशियो में एक चीज याद रखिएगा, अब इस रेशियो में जो भी आंसर आएगा उस आंसर से हमें पता क्या चलेगा वो हम देखते हैं। इफ रेशियो इज लेस देन 100%, अगर आपका आंसर परसेंटेज में आएगा तो आपने इसको मल्टीप्लाई विद 100 करना है, तभी आपका आंसर परसेंटेज में आएगा, राइट। अगर इस रेशियो को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो अगर वो 100 से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फंड है, जो प्रोप्राइटर का फंड है, वो कुछ परसेंट जो है, राइट, जो भी परसेंटेज आएगा वो आपका जो है वो आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। और उस चीज को हम अच्छा मानेंगे, ठीक है, अगर 100 से कम है तो अच्छी बात है, राइट। अब इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं जो आपको हेल्प करेगा समझने में, राइट। इस एग्जाम्पल में आप देखिए,
यहां पे अगर आप देखते हैं, मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड. एक एग्जांपल में मुझे फिक्स एसेट जो गिवन है वो 75,000 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और साथ ही में मुझे ये चीज भी गिवन है, ठीक, प्रोप्राइटर फंड्स भी मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. अब वो क्या कहते हैं कि फिक्स एसेट आपकी 75,000 है, प्रोप्राइटर फंड जो है वो आपका 1 लाख गिवन है, ठीक. अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास सॉल्व करके क्या आएगा, 0.75:1. इसका मतलब ये, अगर मैं इसको परसेंटेज में लेकर आऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू 100, तो इसका मतलब क्या, 75%, ठीक है. अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो 100, अब ये मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरे प्रोप्राइटर्स फंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स एसेट्स को, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा प्रोप्राइटर फंड है, ठीक, वो क्या है, 1, और उस 1 में से मैं फिक्स एसेट में कितना प्रोपोर्शन अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ, 0.75, राइट. अब 1 में से 0.75 तो मैं फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो बाकी कहाँ पे जा रहा है, तो जो बाकी बचा, जब हम 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 25. तो ये जो 25 है आप अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल की तरफ लगा रहे हो, राइट. इसका मतलब ये कि आपका प्रोप्राइटर फंड जो है वो फिक्स एसेट्स की तरफ तो आप कर ही रहे हो, और साथ ही साथ आप बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपको पैसा रिक्वायर्ड है आप उसके लिए भी उसको यूटिलाइज कर रहे हो. तो ये जो सिचुएशन है बिजनेस के लिए अच्छी बात है, राइट. सो दैट इज द रीजन इट इंडिकेट अ गुड पोजीशन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फर्म्स, राइट. और यहाँ पे आप लोगों को आइडल भी बताया गया है कि इस केस में कितना परसेंट आइडल है. अगर आप लोगों का 65% निकलेगा तो वो आपके लिए अच्छी बात है, राइट. अगर मैं इसी को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करती हूँ तो 0.65:1 जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फेक्टरी है. अगर इससे हायर हुआ तो वो मेरे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत, मतलब गलत नहीं कह सकते हो, अच्छा नहीं माना जाएगा. अगर इससे लो होगा तो भी अच्छा मानेगा, ठीक रहेगा. सो हायर इंडिकेट क्या करेगा, नॉट सफिशियंट फंड्स. सपोज यहाँ पे 75 की जगह, सेम एग्जांपल में 75 की जगह अगर मेरा आंसर 90 आता तो उसका मतलब क्या होता है कि मुझे जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा रिक्वायर्ड है वो बाहर से लेना पड़ रहा है, राइट. अगर मेरा आंसर 100 से अबव आ जाता, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि सपोज मेरा आंसर आता 2:1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मुझे अपनी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए बाहर के फंड्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, ठीक है. सो समवेयर इट इंडिकेट्स अ रिस्की पोजीशन फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो योर फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो जो है वो रिलेशनशिप शो कर रही है कि हम कितना प्रोपोर्शन जो है प्रोप्राइटर फंड का फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो समवेयर आपकी हायर क्या है, रिस्की है, और सेटिस्फैक्ट्री कितनी रहेगी आपके जब आप 0.65:1 तक लेकर आते हो, दैट इज योर गुड फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फर्म्स.